देखो, अगर आप लोग एक न्यू लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हैं 2024 के अंदर, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और अगर आप लोगों का बजट सिर्फ 80,000 रुपए के अंडर में ही है और इसी प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को एक बेस्ट लैपटॉप लेना है जिसके अंदर आप लोग गेमिंग कर सकते हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग जैसी चीजें कर सकते हैं, साथ ही ऑफिशियल वर्क को भी काफी आसानी से कर सकते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे ही टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर का लैपटॉप आता है HP Pavilion 40 लैपटॉप। ये लैपटॉप दोस्तों HP का होने वाला है जो कि काफी जबरदस्त लैपटॉप है 80,000 रुपए के अंदर में। इसके अंदर आप लोगों को 14 इंच की एक फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोग 1080 पिक्सल तक की वीडियो को भी काफी स्मूथली देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोग को 12 जनरेशन का इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों काफी पावरफुल प्रोसेसर है। बाकी इसके आप लोग कोडिंग गेमिंग काफी स्मूथली खेल पाओगे। इसके अंदर आप लोग को इंटेल का लेरिक्स XE ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को विंडो 11 सपोर्टेबल देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक देखने को मिल जाता है और ये आप लोग को 720 पिक्सल के एक HD वेबकैम के साथ भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को 16 GB की HD रैम देखने को मिल जाती है और 1 TB का इसके अंदर आप लोग को SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बाकी ये HP का लैपटॉप दोस्तों गेमिंग के लिए, कोडिंग के लिए और आप लोग के ऑफिशियल वर्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप है 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। बाकी इसकी एक्चुअल प्राइस है अमेजोन के ऊपर 76,999 रुपए, जो कि दोस्तों काफी बजट लैपटॉप है आप लोग के लिए। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का लैपटॉप आता है ASUS VIVIQ S50 OLED लैपटॉप। दोस्तों ये लैपटॉप काफी अच्छा होने वाला है जो कि आप लोग को ASUS का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोग को 50.6 इंच की एक 2.8K रेजोल्यूशन वाली एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आप लोग को 128 रिफ्रेश के साथ देखने को मिल जाती है और ये लैपटॉप आप लोग को काफी थिन एंड लाइट वेट के साथ देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर आप लोग को 13 जनरेशन का इंटेल कोर i5 13500H का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर की मदद से आप लोग इसके अंदर गेमिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग जैसी चीजों को काफी आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को फिंगरप्रिंट लॉक सेंसर देखने को मिल जाता है, बैक लाइट का काफी अच्छा कीबोर्ड देखने को मिल जाता है और ये आप लोग को 75 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग के लैपटॉप को काफी फास्टली चार्ज भी कर देता है और इसके अंदर आप लोग को बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों ये ASUS का लैपटॉप गेमिंग के लिए, कोडिंग के लिए तो काफी अच्छा होने ही वाला है। साथ ही इसके अंदर आप लोग को 16 GB की रैम देखने को मिल जाती है और 1 TB का इसके अंदर आप लोग को स्टोरेज देखने को मिल जाता है और ये ASUS का लैपटॉप आप लोग को हाल ही के टाइम पे अमेजोन के ऊपर 78,999 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर एक परफेक्ट लैपटॉप है आप लोग के लिए। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का लैपटॉप आता है लेनोवो योगा स्लिम 6 लैपटॉप। ये लैपटॉप दोस्तों लेनोवो का होने वाला है जो कि आप लोगों को योगा सीरीज का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को 14 इंच की एक OLED 400 निट ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों आप लोगों को डॉल्बी विजन के साथ देखने को मिल जाती है, जिससे इसके अंदर आप लोग जब भी कोई वीडियो देखोगे, काम करोगे तो इसकी डिस्प्ले आप लोगों को काफी अच्छे कलर्स के साथ देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों 13 जनरेशन का इंटेल कोर i5 13500H का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को पूरे 12 कोर के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोग को विंडो 11 सपोर्टेबल देखने को मिल जाती है और ग्राफिक्स कार्ड की बात की जाए तो वो आप लोग को इंटेल का ही लेरिक्स XE देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है और इसके अंदर दोस्तों आप लोग को 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है और इसकी बैटरी लाइफ भी 7 घंटे के आसपास होने वाली है जो कि आप लोग को काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोग को बैक लाइट का कीबोर्ड देखने को मिल जाता है और ये लैपटॉप दोस्तों खास तौर पर गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है और इसके अंदर आप लोग कोडिंग, प्रोग्रामिंग जैसी चीजों को भी काफी आसानी से कर पाओगे। बाकी इसके अंदर आप लोग को 16 GB की रैम देखने को मिल जाती है और 512 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और इसकी प्राइस है दोस्तों अमेजोन के ऊपर 78,990 रुपए, जो कि दोस्तों एक अच्छा लैपटॉप है 80,000 रुपए के अंदर में आप लोग के लिए। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का लैपटॉप आता है Acer Nitro 5 लैपटॉप। दोस्तों अगर आप लोग एक परफेक्ट गेमिंग के लिए लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हैं 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, तो ये Acer का लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आप लोग को गेमिंग के लिए 13 जनरेशन का इंटेल कोर i5 13420H का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को एक काफी हाईफाई ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को RTX 4050 का देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को 6 GB की VRAM के साथ देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इसके अंदर आप लोग जब गेमिंग खेलोगे तो आप लोगों को काफी अच्छे FPS के ऊपर गेमिंग का मजा आने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को उसके लिए 144Hz रिफ्रेश के साथ एक फुल HD प्लस डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों इस लैपटॉप की सबसे अच्छी बात होने वाली है। इस लैपटॉप के अंदर आप लोगों को
डुअल कूलिंग फैन सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोग को वाईफाई 6 के साथ देखने को मिल जाता है। विंडो 11 सपोर्टेबल होने वाली है और ये लैपटॉप दोस्तों आप लोग को 16GB की DDR5 की रैम के साथ देखने को मिल जाता है और 512GB का इसके अंदर आप लोग को स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और इसकी प्राइस दोस्तों अमेजोन के ऊपर 77,499 जो कि दोस्तों 80,000 के अंदर में एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है आप लोग के लिए। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में 5वें नंबर का लैपटॉप आता है लेनोवो आईडियापैड स्लिम 5 लैपटॉप। दोस्तों अगर आप लोग एक लेनोवो का लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हैं 80,000 के अंदर में तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आप लोग को 16 इंच की एक 2.5K लेंस वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आप लोग को 350 नीट ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोग को 13 जनरेशन का इंटेल कोर i5 13500H का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को इंटेल डायरेक्ट एक्स ग्राफिक्स कार्ड के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को प्रोसेसर भी काफी हाईफाई देखने को मिल जाता है और इसका ग्राफिक्स कार्ड भी काफी अच्छा होने वाला है। इसके अंदर आप लोग को विंडो 11 सपोर्टेबल देखने को मिल जाती है। 1080 पिक्सल का इसके अंदर आप लोग को फुल HD वेबकैम देखने को मिल जाता है और ये लिनोवो का लैपटॉप दोस्तों आप लोग को हाल ही के टाइम पे 16GB की DDR4 रैम के साथ देखने को मिल जाता है और 1TB का इसके अंदर आप लोग को SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी प्राइस है दोस्तों हाल ही के टाइम पे अमेजोन के ऊपर 73,499 जो कि दोस्तों आप लोग को सिर्फ 75,000 के अंडर में देखने को मिल जाता है परफेक्ट लैपटॉप। बाकी दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप जो कि आप लोग को 80,000 की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं 2024 के अंदर। बाकी इनमें से आप लोग किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हैं। ये सारे लैपटॉप आप लोग को काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इनमें से आप लोग को कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा पसंद आया कॉमेंट करके जरूर बताना और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।